कर्नाटक में जीत के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस जीत की बधाई दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि यह जीत राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का ही परिणाम है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी ने लोगों को जातिवाद के नाम पर बनाने का काम किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भगवान राम पशु पक्षियों में भी विभेद नहीं करते थे, लेकिन बीजेपी ने सबको लड़ाने का काम किया है। इस जीत से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। इसके साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड से कांग्रेस की जीत को लेकर भी करण महारा काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना लिया। उन्होंने सीधे तौर पर इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार बताया है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक जीत है और कर्नाटक की जनता ने बीजेपी की लड़ाने वाली राजनीति को सिरे से नकार दिया है। कर्नाटक की जनता चाहती है कि सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी कांग्रेस की सरकार बने। उन्होंने इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी बधाई दी। कर्नाटक के परिणाम को इशारा कर रहे हैं, जो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य था वो सफल होते हुए दिखाई दे रहा है। भारत की गंगा जमनी तहजीब को जिस तरीके से क्षय किया गया बीजेपी के द्वारा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को आपस में भिड़ाया गया, उसका परिणाम है। जहाँ भगवान राम मानवों के साथ साथ पक्षी और जानवरों में भी भेद नहीं करते थे, जहाँ उन्होंने वानर सेना के साथ काम किया, वहीं उन्होंने जामवंत जी जो भालू थे उनके साथ काम किया। नन्ही गिलहरी की कहानी उनके साथ है, उनके संग जुड़े हैं भगवान गरुड़ जी। तो ऐसे भगवान आराध्य देव जो पशु पक्षियों में भी भेद नहीं करते, उनका नाम लेकर राजनीति करने वाली बीजेपी मानव जाति में भी भेद करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को भिड़ाने का काम करती है। भगवान राम ने कभी ये नहीं कहा, उन्होंने कहा आपको जीवों पर दया करनी चाहिए, जीवों की रक्षा करनी चाहिए। उसके उलट भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आतंकवाद और किस तरीके से लोगों में जातिवाद का धर्म जहर घोलने का काम कर रही है, उसके विरोध में आज कर्नाटका के लोगों ने सख्त जनादेश दिया है। ये हमारी स्टेट लीडरशिप की भी जीत है। जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी स्टेट जीत के दी, वहीं बीजेपी की जेपी नड्डा की हिमाचल बीजेपी हारी है। ये इस बात का संकेत है कि बीजेपी केवल और केवल मोदी और मोदी के झूठे सपने जो जनता को दिखाए उस पर डिपेंडेंट है। वहीं राहुल गांधी जमीन पर चलकर सच के साथ चलने वाला व्यक्ति है और वो लोगों की बात सुनने के लिए उनके घर घर जा रहा है। वहीं मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, मेरी अंकिता बेटी की बात नहीं करते, टूटते हुए जोशीमठ की बात नहीं करते, वो बात नहीं करते उन मुस्लिम भाइयों की जिनकी हत्या की जा रही है। केवल एक ही नैरेटिव है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। घर में बैठे हुए बेरोजगार बेटे और बेटियों की बात नहीं करते, वो बढ़ती हुई महंगाई जिससे हमारी बहनें परेशान हैं उसकी बात नहीं करते। इसीलिए कर्नाटका की पढ़ी लिखी जनता ने ये मैंडेट दिया है और सख्त जनादेश है और ये कांग्रेस के आगे के भविष्य को का रास्ता दिखा रही है। ये कर्नाटक का जो नतीजे हैं वो कर्नाटक के नतीजे केवल कर्नाटक के नहीं हैं, वहाँ प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी, जब पूरा मणिपुर जल रहा था, सुलग रहा था, आग लग रही थी, 12 दिन लगातार मणिपुर पे ध्यान देने की बजाय वो कर्नाटका में रैलियाँ कर रहे थे, भाषण कर रहे थे, वो भगवान का नाम लेकर के, बजरंग बली का नाम लेकर के लोगों को बांटने का काम कर रहे थे, उनकी घबराहट साफ दिख रही थी। तो ये हार कर्नाटका की बीजेपी की हार नहीं है, ये नड्डा जी की हार नहीं है, ये व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी जी की हार है और नरेंद्र मोदी जी की हार का शुरुआत हो चुकी है। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बारी है और 2024 में फिर पूरे भारत में बारी है। ये शुरुआत हो गई है और मैं समझता हूँ ये अंत की शुरुआत है। माहौल तो जो भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत पैदा कर रही थी
उस पर कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया कि नहीं, हम कौमी एकता को चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी उसकी साथ है, वही उसकी जो कर्नाटक की जनता का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अपने आदरणीय अपने राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और खड़गे साहब को, जिन्होंने ये एक ऐतिहासिक जीत कर्नाटक में कराई। इसलिए हम सब मिलकर आगे भी जो भी चुनाव होगा, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे नगर का चुनाव, हम सब मिलकर इसी तरह कांग्रेस को जिताएंगे। यही मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।